कंस्ट्रक्शन सेक्टर के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, क्योंकि यहां पे एक आईपीओ आ गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जिसका नाम है गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके आईपीओ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सारी चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सीधे मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए। वहीं अगर कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात किया जाए कि कंपनी क्या है, काम क्या करती है, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो फाउंडेड थी 2010 के अंदर, यानी कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। वहीं अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज देती है, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज फॉर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, एज वेल एज एडिशनल सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इनका जो मेनली काम है वो कंस्ट्रक्शन का मेनली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए इसके अंदर इसका जो बुक बिल्ड इशू है वो 264.1 करोड़ का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसका जो फ्रेश इशू है वो 1.83 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर कुछ चीजों की बात की जाए तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग इसके फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू काफी ज्यादा यहाँ पे हमें कम नजर आ रही है, लेकिन आईपीओ के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे आईपीओ के अंदर फेस वैल्यू काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट की लिस्टिंग के अंदर हमें उसके परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें इसके अंदर अच्छा देखने को मिलता है। तो फेस वैल्यू काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर इसके प्राइस बैंड की बात किया जाए तो फिर 92 to 95 rupees पर शेयर की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए ये बहुत ज्यादा जायंट कंपनी नहीं है, लेकिन अगर इसके प्राइस बैंड की अगर बात की जाए वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। अगर इसके लॉट साइज की अगर बात की जाए तो 157 शेयर का यहाँ पे हमारा लॉट साइज होने वाला है। अगर आईपीओ के ओपनिंग की अगर बात की जाए तो फिर ये हमारा 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में इसकी ओपनिंग है, जिसके अंदर रिटेल कस्टमर्स और HNIs भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर जो अलॉटमेंट है वो 11 तारीख को इसके अंदर होगी और रिफंड 14 तारीख को होगा, और डीमैट के अंदर क्रेडिट आपका 14 अक्टूबर को होगा और 15 तारीख को यहाँ पे ट्यूसडे के दिन पे यहाँ पे हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर 1 से लेकर 13 लॉट तक ले सकते हैं और स्मॉल HNI यहाँ पे 14 लॉट से लेकर 67 लॉट तक ले सकते हैं, और साथ ही में बिग HNI यहाँ पे 68 लॉट ले सकते हैं। वहीं अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हमें देखना जरूरी होता है कि कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, क्या डेट है, क्या पैसे का फ्लो होगा, ये सारी चीजें काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वहीं अगर इस आईपीओ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे इसके जो एसेट्स है वो यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 पे यहाँ पे 234 करोड़ की यहाँ पे हमें एसेट्स देखने को मिल रही है, और साथ ही में यहाँ पे इसके जो एसेट्स हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से हम 2022 से जो डेटा दिख रहा है वो यहाँ से हमें लगातार यहाँ पे हमें इसका जो एसेट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2022 के अंदर अच्छा रेवेन्यू था, 2023 के अंदर बहुत अच्छा रेवेन्यू था, फिर वहीं 2024 के अंदर इसका रेवेन्यू कम हो गया और अभी इस समय लेटेस्ट में 3.5 करोड़ का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कंपनी को काफी ज्यादा बीच में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी कंपनी उतनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, ये काफी ज्यादा खासा ध्यान देने वाली बात है। नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2022 में 41 करोड़ 82 करोड़ और 122 करोड़ का यहाँ पे हमें कंपनी का नेटवर्थ दिखाई देते हुए दिख रहा है। वहीं अगर बोरोइंग की बात की जाए तो फिर बोरोइंग भी यहाँ पे हमें समय दर समय यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए अब अगर कंक्लूजन पे आए कि गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2022 से लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अचानक से हमें यहाँ पे प्रॉफिट इसका काफी ज्यादा कम देखने को मिलने लगा। अगर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा अच्छा होता है तभी आप अपने रिसर्च के बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशन होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।